मेरे सेयन वॉरियर्स टी शर्ट समर्स में, हुडीज और जैकेट्स विंटर्स में, बट जब हम जीन्स की बात करते हैं तो उसको हम लड़के 365 डेज हर सीजन में और मोस्टली हर ओकेजन में पहनते हैं। इसलिए आज की इस अल्टीमेट वीडियो में मैं आपको यह आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा कि कौन सी जीन्स हाई क्वालिटी की है और कौन सी लो क्वालिटी की, वो भी बस एक मिनट के अंदर। प्लस मार्केट में इतने सारे फिट्स की जीन्स अवेलेबल है, स्पेसिफिकली आपके लिए कौन सी बेस्ट सूटेड रहेगी इसका भी डिस्कशन करेंगे। और वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में आपको मैं बेस्ट लो बजट जीन्स की ब्रांड्स प्लस एक जीन्स से आप पूरे हफ्ते के आउटफिट्स कैसे बना सकते हो ये भी बताऊंगा। तो ये जबरदस्त वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो मेनली कोई भी जीन्स की क्वालिटी चेक करने के लिए आप ये सिंपल 4-स्टेप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, अपसाइड डाउन टेस्ट। इसमें आपको अपनी जीन्स का जो एंकल साइड वाला एरिया है उसको उल्टा करना है। अगर आपकी जीन्स अच्छी क्वालिटी की हुई तो जीन्स में ये जो स्टिचिंग होगी वो काफी सारे वेल स्टिच्ड मल्टीपल थ्रेड्स से मिलके बनी हुई होगी। ये मल्टीपल थ्रेड्स आपस में इंटरलॉक होने की वजह से जीन्स को हाई क्वालिटी बनाते हैं। आपको काफी सारी जीन्स में ऐसे डबल साइडेड मल्टीपल थ्रेड्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये भी अच्छी क्वालिटी की स्टिचिंग की निशानी है। वहीं जो बिल्कुल सस्ते क्वालिटी की जीन्स होती है उनमें ये थ्रेड्स एक तो बहुत कम नंबर में होंगे और वो सफाई से स्टिच्ड भी नहीं होंगे, ऐसे बाहर से निकल रहे होंगे। इससे क्लियरली पता लग जाएगा कि ये सस्ती क्वालिटी की जीन्स है। नंबर सेकंड, स्ट्रेच एंड वेट टेस्ट। अब मोस्टली कंफर्ट को देखते हुए ज्यादातर कंपनीज स्ट्रेच वाली कंफर्टेबल जीन्स बनाने लग गई हैं, बट जो एक्सट्रीमली स्ट्रेची पतले मटेरियल की जीन्स आने लग गई हैं आजकल, उन्हें आप अवॉइड करना, क्योंकि थोड़े टाइम पहनने के बाद या फिर धोने के बाद वो अपना ओरिजिनल शेप लूज करने लग जाती हैं और ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाती। सिमिलरली जीन्स के वेट की बात करें तो अच्छे क्वालिटी की जीन्स थोड़ी वेट वाली थोड़ी भारी होती है एज कम्पेयर टू बेकार क्वालिटी की जीन्स, बट आपको जीन्स का वेट ऑब्वियसली वेइंग मशीन से टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जीन्स को अपने हाथ में उठा के रफली इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो। नंबर थर्ड, फिनिशिंग टेस्ट। जीन्स की अच्छी फिनिशिंग चेक करने के लिए आपको जीन्स की पॉकेट के साइड में थ्रेड्स को नोटिस करना है। इसमें भी अगर थ्रेड्स इवन डिस्टेंस पे हुए, क्लीनली और यूनिफॉर्मली स्टिच्ड हुए तो आपकी जीन्स हाई क्वालिटी की है, बट अगर थ्रेड्स इधर भी लूज हैं, एक दूसरे पे ऐसे अनइवनली स्टिच्ड हैं और धागे इधर से भी निकल रहे हैं तो ये लो क्वालिटी की जीन्स की निशानी है। इसी के साथ फिनिशिंग इससे भी पता लगेगी कि जब आप ऊपर की साइड से जीन्स को उल्टा करेंगे तो लो क्वालिटी की जीन्स में आपको इधर भी काफी सारे लूज धागे और अनइवन स्टिचिंग क्लियरली दिख जाएगी। ये सब फिनिशिंग ब्लंडर्स आपको अच्छी क्वालिटी की जीन्स में कभी देखने को नहीं मिल सकती। नंबर फोर्थ, स्मॉल डिटेल्स टेस्ट। स्मॉल डिटेल्स जैसे कि बटन लूज तो नहीं है, चेन स्मूथ है कि नहीं, और जो बटन होल है उनमें से धागे निकल रहे हैं या नहीं, ये स्मॉल चीजें भी जरूर से चेक करना कोई भी जीन्स बाय करते समय। इस 4-स्टेप प्रोसेस से आप डेफिनेटली अपने लिए हाई क्वालिटी जीन्स खरीद लोगे। सेयन वॉरियर्स, आपके लिए एक क्विक अनाउंसमेंट। आप सबके इतने सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मार्क हिट करने वाला है, तो इसी चीज के सेलिब्रेशन में स्पेशली आपके लिए हम नेक्स्ट वीक स्टाइल सेयन क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। ट्रस्ट में, इतने हाई क्वालिटी के क्लोथ्स आपको इस प्राइस में पूरे दुनिया में नहीं मिल सकते, इस बात की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। तो इसलिए नेक्स्ट संडे की वीडियो का वेट करना, उसमें मैं फुल फ्लैश अनाउंसमेंट प्लस मेरे सेयन वॉरियर्स एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे ले सकते हैं ये भी बताऊंगा। और आजकल मैं चैनल पे फेस कैम वाले शॉर्ट्स भी अपलोड करने लग गया हूँ, वो भी जरूर से चेकआउट करना। बट इतने सारे जीन्स के ऑप्शन, स्लिम फिट, रेगुलर फिट, कैरेट फिट, इन सब में से आप पे कौन सी अच्छी लगेगी तो मैं आपको शॉर्ट में एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट है स्लिम फिट जीन्स। ये टाइप की जीन्स आपकी कमर से लेकर एंकल तक बिल्कुल आपके पैरों का शेप लेते हुए आती है, जो कि आपके ऊपर ज्यादा टाइट भी नहीं होती बट उसमें लूज फैब्रिक भी नहीं निकल रहा होता। ये जीन्स का फिट मेरा भी फेवरेट है, जो कि मोस्टली हर बॉडी टाइप पे भी सूट करता है, और कॉलेज एवरीडे वेयर और फंक्शंस इसको आप कहीं पे भी पहन सकते हो। नंबर सेकंड, स्ट्रेट फिट एंड रेगुलर फिट जीन्स। ये दोनों सिमिलर शेप की जीन्स स्लिम फिट की तरह आपकी बॉडी का शेप लेने की बजाय थोड़ी सी लूज रहती है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे आती है। ये टाइप की जीन्स आप मोस्टली स्ट्रीट स्टाइल में पहन सकते हो, या फिर आपकी थाइस काफी बड़ी है तो भी ये आपके लिए काफी बेटर ऑप्शन रहेगा। नंबर थर्ड, स्किनी फिट जीन्स। ये टाइप की जीन्स आपके पूरे पैरों को टाइटली हग करते हुए आएगी, जो कि समटाइम्स अनकंफर्टेबल भी हो सकती है। ये जीन्स की फिट सिर्फ फिट बंदों पे ही अच्छी लगती है, स्किनी और फैट बंदे इसको अवॉइड करना। नंबर फोर्थ, बूट कट / बेल बॉटम जीन्स। ये जीन्स आपकी थाइस के एरिया से तो करेक्टली फिट होंगी बट नीज के नीचे से एंकल एरिया तक ये ऐसे ब्रॉड होते हुए आएंगी और आपके शूज को कवर करेंगी। इन जीन्स को भी आप एक्सट्रीमली कैजुअल जगहों पे पहन सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे है लूज फिट एंड रिलैक्स्ड फिट जीन्स।
जीन्स, ये दोनों ही काफी बैगी फिट की जीन्स हैं, जिसमें जो लूज फिट जीन्स होती है वो थोड़ी ज्यादा बैगियर है रिलैक्स्ड से, बट ये डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट रहता है। लेकिन ऑल इन ऑल ये दोनों जीन्स काफी कम्फर्टेबल है पहनने में, इसलिए स्ट्रीट स्टाइल में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बट ये भी फैक्ट है कि इनको पहन के वो क्लीन पॉलिश्ड लुक नहीं अचीव हो पाता जो आपको स्लिम फिट पहन के होगा। प्लस अगर आप बहुत पतले बंदे हो तो आप इनको अवॉइड करना। नंबर 6, स्लिम टेपर / कैरेट फिट जीन्स। ये आपके थाई एरिया से कम्फर्टेबली फिट की रहेंगे, बिल्कुल स्लिम फिट की तरह, बट नीज के नीचे से ये काफी ज्यादा टेपर होते हुए एंकल पे खत्म होंगी, बिल्कुल स्किनी जीन्स की तरह। इसके ब्रॉडर थाई एरिया और नैरो एंकल के शेप की वजह से ही इसको कैरेट फिट बुलाते हैं। इन पर्टिकुलर जीन्स को भी आप स्लिम फिट की तरह काफी वर्सेटाइल तरीके से स्टाइल करके पहन सकते हो। इन सारी फिट की जीन्स में से आपकी कौन सी फेवरेट है मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना। फाइनली वीडियो की स्पेशल बोनस टिप में, सारी डिसेंट क्वालिटी की लो बजट जीन्स आपकी स्क्रीन पे हैं। इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उधर से चेक कर लेना। सेकंड बोनस टिप के हिसाब से सिर्फ एक डार्क ब्लू जीन्स के साथ पेयर करते हुए पूरे वीक की आउटफिट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। ये सारी आउटफिट्स एसेंशियल क्लोथ्स से ही मैंने बनाई हैं, तो इनमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आप इजिली इनको डेली लाइफ में पहन सकते हो। बट एक क्रूशियल पॉइंट का ध्यान रखना कि जिस दिन आप एक पर्टिकुलर अपर वेयर पहनोगे तो आप उसको 2 दिन का गैप देने के बाद ही वापस से रिपीट करना। जैसे कि कोई ब्लैक टी शर्ट आपने मंडे को पहनी, तो 2 दिन कुछ और अपर वेयर्स पहन के आप उसी ब्लैक टी शर्ट को थर्सडे को रिपीट कर सकते हैं। इससे आपके कपड़े फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं होंगे और आप मल्टीपल स्टाइलिश आउटफिट्स बनाने के लिए बाउंड हो जाओगे। अगर आपको मेरी कॉलेज और स्कूल के बैकपैक गाइड वाली वीडियो देखनी है तो आप स्क्रीन पे बने हुए बॉक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं।